नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। आइए हम आज कुछ और क्लासिफिकेशन के बारे में सीखते हैं। तो आइए आज सीखना शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो क्लासिफिकेशन में हमने बताया कि मोनो हेलो कंपाउंड्स हो सकते हैं, डाई हेलो कंपाउंड्स हो सकते हैं, या पॉली हेलो कंपाउंड्स हो सकते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर मोनो हेलो कंपाउंड्स को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3cx बॉन्ड और दूसरा है sp2cx बॉन्ड, यानी x मतलब हैलोजन ग्रुप को डिनोट करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कार्बन एटम के साथ जो हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 या sp2 हो सकता है। तो आइए हम दोनों के बारे में डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, पहला पॉइंट है कंपाउंड कंटेनिंग sp3cx बॉन्ड, ओके, जिसमें x हैलोजन ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। अब इसमें डियर स्टूडेंट तीन कैटेगरी है। पहला है अल्काइल हैलाइड्स और हैलोअरीन्स, दूसरा है एलिलिक हैलाइड्स और तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड्स या हैलोअरीन्स में क्या होता है। तो देखिए, ये हैलोजन ही कहते हैं कि ये प्राइमरी कार्बन, अगर हैलोजन अगर प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होगा तब हम उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे या 1° अल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं। जैसे यहाँ एक कार्बन देखिए, कार्बन के साथ ये जो अल्काइल ग्रुप है उसमें एक ही कार्बन है, तो यानी एक कार्बन से अगर है ना, एक कार्बन से अगर जुड़ा हो तो प्राइमरी। और इधर देखो, ये जो कार्बन है दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, बगल में दो कार्बन अटैच्ड है तो हम उसको सेकेंडरी कहेंगे। और अगर यहाँ देखो तीन कार्बन से अटैच्ड है तो टर्शियरी कहा जाएगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि sp3cx बॉन्ड जो होता है इसमें अल्काइल हैलाइड या हैलोअरीन्स जो होते हैं इसमें प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्शियरी हो सकता है। प्राइमरी में प्राइमरी कार्बन के साथ अगर हैलोजन जुड़ा हुआ, एक्स जो है ये एक्स है, हैलोजन अगर प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन इसलिए क्योंकि इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन अटैच्ड है। और सेकेंडरी हम कब कहेंगे, जब ये हैलोजन ग्रुप अगर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन इसलिए क्योंकि यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप में कार्बन का ही है, ओके। और टर्शियरी इसलिए है क्योंकि जो हैलोजन ग्रुप है वो टर्शियरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। देखो एक दो तीन कार्बन है इसके साथ, जितने भी अल्काइल ग्रुप है उसमें तीन कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए टर्शियरी कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में कैटेगराइज्ड है और इसको हम 1° 2° या 3° अल्काइल हैलाइड रेस्पेक्टिवली कह सकते हैं। अब आ जाइए एक और है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि एडजेसेंट टू द कार्बन एंड डबल एटम, यानी डबल बॉन्ड अगर है एडजेसेंट टू द कार्बन, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन एटम होगा एडजेसेंट टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है तो इससे एडजेसेंट क्या है, यहां है तो यहां डबल बॉन्ड है, ये रहा डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन का एडजेसेंट ये है तो ये डबल बॉन्ड है और इसके साथ हैलाइड हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे एलाइलिक कार्बन, एडजेसेंट है तो ये एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। ठीक उसी तरह से ये हैलोजन ग्रुप है तो ये देखिए इस कार्बन का एडजेसेंट ये है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एलाइलिक कार्बन से अगर जुड़ा हो हैलोजन ग्रुप तब हम उसको एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। सिंपली एडजेसेंट टू कार्बन का कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन का एडजेसेंट ये रहा तो इसीलिए ये हैलोजन ग्रुप कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड्स।
और यहाँ ये देखो ये जो कार्बन है इसका एडजेशन है आपका ये है, तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ एडजेशन है, इसलिए इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि एक्स यहाँ पे डिनोट कर रहा है हैलाइड हैलोजन ग्रुप को। लास्ट है बेंजाइलिक हैलाइड, तो बेंजाइलिक हैलाइड में डियर स्टूडेंट किसका रिंग होगा, बेंजीन के रिंग के साथ जुड़ा होगा, यानी हम उसको एरोमेटिक रिंग भी कह सकते हैं। तो अगर आप है These are the compounds in which halogen atoms is bonded to a sp3 hybridized carbon atom attached to an aromatic rings। देखो यहाँ देखो यहाँ ये बेंजीन का रिंग देख सकते हैं, यहाँ हैलोजन ग्रुप है, तो ये हैलोजन ग्रुप जो है इस कार्बन से यहाँ जुड़ के जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, इसको हम प्राइमरी कहेंगे। ओके अब उसके बाद से यहाँ देखिए ये आपका बेंजीन रिंग है, अब यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब ये कंडीशन है, दो तरह का कंडीशन है R डैश और R डैश डैश में। अगर R डैश यहाँ R डैश अगर CH3 अगर है ठीक है, और R डैश डैश अगर CH है, तब हम उसको 2 डिग्री कह सकते हैं, लेकिन R डैश और R डैश डैश अगर CH3 रहा तो हम उसको 3 डिग्री कह सकते हैं। तो यानी ये 1 डिग्री है ना, एक कार्बन अटैच्ड है, प्राइमरी कार्बन है तो 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री मतलब दो कार्बन अटैच्ड है, और टर्शरी 3 कार्बन अगर अटैच्ड है तो यानी टर्शरी ग्रुप को कहलाएगा। तो इस तरह से ये दोनों स्ट्रक्चर जो हमने बनाया वो आपका बेंजाइलिक हैलाइड को दिखाता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आएंगे और आगे डिस्कस करेंगे आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड इसमें कैसे होता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।